अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ अमीजा? गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। तो आइए मैं छोड़ देता हूँ। आप तो खुद अभी आए हैं। आप फिक्र ना करें, आप आए मेरे साथ। पक्की बात है? आज वो दरअसल हमारी दोस्त है ना शैला, उनका है बर्थडे। ठीक है, तो हम सोच रहे थे कि उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं। सरकार आपको पता है मैंने एक साथ इतनी लाइटें ना पहली बार देखी हैं। हम लड़कियों को तो ना घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है। कभी कुछ जरूरत का सामान चाहिए हो तो दिलावर मामा ला देते हैं। मुझे तो अब भी डर लग रहा है आप मुझे अपने साथ यहाँ ले आई हैं। डरने की कोई बात नहीं, मैंने साई सरकार से पूछ लिया था। अब तुम्हें कुछ भी पसंद आए ले लेना। सच? हाँ चलो। ये गाड़ी तो हेलो। हाँ दिलावर कहाँ हो तुम? जी जी छोटे साईं, मैं हाँ दिलावर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो इस वक्त? छोटे साईं मैं करमपुर में हूँ। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल छोटे साईं, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा। मैं तो 2 दिन से फार्म हाउस से निकला ही नहीं जी। तो इस वक्त फार्म हाउस वाली लेक्सस कौन चला रहा है? वो गाड़ी छोटे साईं मुझे नहीं मालूम, मैं तो 2 दिन से फार्म हाउस से निकला ही नहीं। दिलावर ये गाड़ी भी तुम ही चलाते हो और ये गाड़ी फार्म हाउस पे रहती। चाचा जान इधर है नहीं तो ये गाड़ी इस वक्त फिर कौन चला रहा है? जी 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 साईं याद आया, वो गाड़ी साईं सरकार के दोस्त ने मांगी थी। अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। कौन सा दोस्त? छोटे साईं मुझे तो साईं सरकार ने हुक्म दिया था कि उनके दोस्त का ड्राइवर आएगा, उसे गाड़ी दे देना। जी मुझे नहीं पता वो कौन सा दोस्त है, कहाँ रहता है। मैं तो साईं सरकार के हुक्म का गुलाम हूँ। हेलो। हाँ भाई आ गई शॉपिंग करके? जी बस अभी आए। देखा मेरा अंदाजा। अच्छा सुनो, वो ताबा गई थी साथ में? जी आप ही ने इजाजत दी थी ना। जान मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए इजाजत दी थी। हाँ तो बस मैं खुश हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? अच्छा सुनो, अभी बोर्ड की मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर में बात करूँ। अच्छा आप बताएं आप कब तक आएंगे? क्या कह रहे तुम? मैं पूछ रही हूँ आप कब तक आएंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी इस बात में कितनी खुशी दी है मुझे। दिल कर रहा है सब छोड़ के आ जाऊं। नहीं आप अपना काम देखिए। सुनो मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, कोई काम है क्या? सच बताओ। नहीं बस यूं ही पूछ रही थी मैं। मामू के घर जाना है। नहीं मैंने आपसे कहा ना मैं यूं ही पूछ रही थी। अंदाजा था मुझे कि तुम अब वहां नहीं जाओगे, जाना भी नहीं चाहिए। कितनी बेइज्जती की थी उस लड़के ने तुम्हारी।
तुम्हारा दिल क्यों चाहेगा वहां जाने को, है ना? रखता हूं। उसमें नहीं थी किसी की मोहब्बत। अम्मा देखना, बेगम सरकार ने मुझे कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए हैं। मगर ये क्या, तू तो देख ही नहीं रही। हाँ हाँ दिखा। ये है तेरे लिए और ये बाकी सारे मेरे हैं। अच्छे हैं ना? हाँ 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 अच्छे अच्छे हैं। अम्मा ये ना फ्रॉक है, बेगम सरकार ने मुझे बताया, वो कहती है मैं इसमें ना परी लगूंगी। परी बहुत भोली है तूतापा। देख मेरी बात गौर से सुन, और जो मैं बात तुझे बोल रही हूँ ना वो तू किसी से मत करना, बेगम सरकार से भी नहीं। आई तेरे को बात समझ में? अम्मा साफ साफ बोलना, मुझे समझ नहीं आई। मेरा मतलब है कि बेगम सरकार के साथ तो ज्यादा मेल मत रख। क्यों? वो तो इतनी अच्छी है माँ। मालिक लोग अच्छे होते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। अम्मा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। बहुत ही तू सीधी है, तेरे को सीधी बात समझ में नहीं आती है। देख वो तेरे पर इतनी मेहरबान क्यों है? हाँ जब उसको कोई काम तेरे में पड़ गया ना तो फिर तू मजबूर हो जाएगी वो काम करने पर। फिर मम मुझसे कैसा काम पड़ेगा? तुझे पता है ना वो यहाँ पर दिल से नहीं रह रही है, मजबूरन रह रही है। सोच अगर कल को वो तुझे कहती है कि मुझे यहाँ से भगा, फिर क्या करेगी? तो फिर क्या अम्मा? अगर तूने इनकार किया तो वो बदल जाएगी, अगर तूने उसका काम कर लिया ना तो साई सरकार तो तेरे को कुत्तों के आगे डाल देगा। अल्लाह अम्मा ये तू क्या कह रही है, मुझे तो साई सरकार से पहले ही बहुत डर लगता है। इसलिए तो कहती हूँ तुझे कि तू उससे मेल जोल मत रख। अगर तूने साईं सरकार से गद्दारी की ना तो सबसे पहले तो तेरा मामा ही तेरी बोटियां बोटियां कर देगा। नहीं 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 अम्मा, तू जैसा कहती है ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, और आइंदा मैं बेगम सरकार के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। सही है, आ गई ना तुझे मेरी बात समझ में? सदके मुझे थी, समझदार है। बस सही है।